समेत गुड इवनिंग नमस्कार तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस ग्रेविटी डिक्टर ममता सिंह गुड इवनिंग नमस्कार तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रशांत गुड इवनिंग नमस्कार तो ऐसे तो हम कंटीन्यूस ग्रेविटी डिकेंडर सब्जेक्ट है टॉपिक है जो हम वो पढ़ चुके हैं बट फिर भी जब ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो उस दिन बहुत ज़्यादा नेट का इश्यू हो रहा था तो हमने डिसाइड किया कि हम दोबारा से ये क्लास है ये लेंगे और आपका ये टॉपिक जो है हालांकि हमने साइंटिफिकल डिकेंडर वो अच्छे से पढ़ लिया है ठीक है ना न हाँ। तो कंटीन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर है ये आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं तो देखिए कंटिन्यूअस ग्रेविटी डिकेंटर होता क्या है मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ ठीक है हाँ जी तो देखिए सिंपल है हमारे पास दो लिक्विड होते हैं डिफरेंट डेंसिटी के उनको सेपरेट करना हो आपको दोनों इमिसिबल लिक्विड हो डिफरेंट डेंसिटी के अगर उनको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो एक डिवाइस है जिसका नाम होता है डिकेंटर उसको इस्तेमाल करते हैं अब डिकेंटर दो तरह के होते हैं एक होता है कंटिन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर और दूसरा हमारे पास होता है सैंटिफिकल डिकेंटर अब सैंटिफिकल डिकेंटर है वो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आज के सेशन में हम कंटिन्यूअस ग्रेविटी डिकेंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं जैसे ही आपको नाम से पता लग रहा है डिकेंटर तो एक ऐसी डिवाइस है जो कि दो डिफरेंट डेंसिटी के इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के काम में आती है बट यहाँ पे डिकेंटर से पहले वर्ड लगा हुआ है वो लगा हुआ है कंटीन्यूस ग्रेविटी यानी हमारे पास जो फोर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होता है सेपरेशन के दौरान जहाँ पर हम डिफरेंट डेंसिटी के इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं वो फोर्स इन्वॉल्व होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेंट्रिफिकल डिकेंटर है उसके अंदर जो फोर्स इन्वॉल्व होता है फॉर द सेपरेशन दैट इज सेंट्रिफिकल फोर्स तो फोर्स का फर्क है हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कम मैग्नीट्यूड का है और एक कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का ही आपके पास अप्लाई होता है जबकि सेंट्रिफिकल फोर्स को आप ओमेगा रोटेशन के साथ उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं जितना आप ज़्यादा रोटेशन देते हैं उतना ही बढ़ेगा तो उतना ही जल्दी हमारे पास सेपरेशन अच्छी होता है उतना ही बेटर सेपरेशन आपको सेंट्रिफिकल डिकेंटर के अंदर देखने को मिलता है तो ये आपको मैंने जब साइंटिफिकल डिकेंटर पढ़ाया था तो उस टाइम ये सारी बातें आपको बताई थी रही बात कंटिन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर की तो सिंपल आपको अब तक तो ये बात समझ में आ ही गई होगी कि डिकेंटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो दो डिफरेंट डेंसिटी के इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनको सेपरेट करने के काम में आते हैं उनको अलग अलग करना हो हमें तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग कंटिन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर अब इसके अंदर हमारे पास कैसे फ्लूड है वो फ्लो करता है कैसे हम यहाँ पर फ्लूड स्टिक के प्रिंसिपल है वो इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हमारे पास है वो इक्विपमेंट है इसके अंदर मैथेमेटिक्स है वो इन्वॉल्व होती है ये सारी बातें हम देखने वाले हैं आज के सेशन में जितने भी बच्चे क्लास के अंदर मौजूद हैं सभी को गुड इवनिंग नमस्कार मयूर महिमा सौरभ सोमो प्रभा प्रशांत सभी को गुड इवनिंग नमस्कार ठीक है तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक बटन को ज़रूर से प्रेस कर दें ठीक है ना लाइक बटन को ज़रूर से आप प्रेस कर दें ठीक है और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि क्लास के अंदर बच्चे आ नहीं रहे तो क्या मेरे को बंद कर देना चाहिए ये सब्जेक्ट ठीक है ना अगर आप दस ग्यारह बच्चे आओगे ठीक है ना मैंने कम से कम पच्चीस का तो नाम लिया था अब अगर आप दस ग्यारह ही बच्चे आओगे तो मैं बंद कर दूँगा आने वाले दिनों में ठीक है ना हम कुछ और स्टार्ट कर देंगे जो आपको आप जो पढ़ना चाहते हैं शायद आप फ्लूड मैकेनिक्स वो पढ़ना नहीं चाहते हैं आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो हम वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट कर देंगे ठीक है कोई बात नहीं ठीक है ना जैसे आपकी इच्छा हो वैसा वो हम स्टार्ट कर देंगे अब हम बात करते हैं कंटीन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर की तो कंटीन्यूस ग्रेविटी डिकेन्टर के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पर इस डायग्राम को आप देखिएगा मैं ऊपर से दिखाता हूँ टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ और साइड व्यू दिखाता हूँ इस साइड में मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ इस डिवाइस का डिवाइस सिंपल है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेजेल होती है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐसी आपके पास सिलेंड्रिकल बेजेल होती है ऊपर से देख रहा हूँ मैं हेलीकॉप्टर व्यू ठीक है ना एयरप्लेन वाला व्यू आप देख रहे हैं ऊपर से डिवाइस को देख रहे हैं तो दोनों साइड में आप क्या करते हैं दोनों साइड से आप इक्वली यहाँ पे फीड है वो इंजेक्ट करते हैं ठीक है दोनों साइड से इक्वली आप यहाँ पे फीड क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं अर्जुन गुड इवनिंग नमस्कार इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से आप यहाँ पे फीड है वो इंजेक्ट करते हैं ऐसे यहाँ पे दोनों साइड से आप फीट डालते हैं आप इसको ऐसे समझिएगा जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो है ये आपका डिकेंटर है ठीक है ना ये सिलेंड्रिकल डिवाइस है तो आप इसके इस साइड में और इस साइड में इक्वली एक एकदम मिडिल में आप ऐसे क्या करते हैं ऐसे आप यहाँ पे फीड देते हैं ठीक है ना इस साइड में जैसे हमारे पास ऐसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा इस डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा ये जो डायरेक्शन है ये फ्लो की है तो यहाँ पर हमारे पास इक्वली इसमें मिडिल साइड में और इस साइड में ऐसे हमारे पास फीड है वो इंजेक्ट की जाती है ठीक है आपके पास ऐसे है वो फीड है वो इंजेक्ट की जाती है ये बात आपको समझ में आई अब देखिएगा सिंपली हमारे पास ये टॉप व्यू है ये दिखाया गया है ऊपर से तो आपको ऐसा ही दिखेगा ठीक है ना साथ ही साथ यहाँ पर आप सिंपल सी बात है कि दो डिफरेंट डेंसिटी के फ्लूड है तो आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं अपने दिमाग में समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा कि वाटर और ऑयल हैं इनको आप सेपरेट कर रहे हैं दो डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड हैं इनको आप सेपरेट कर रहे हैं तो वाटर और ऑयल आपको पता है कि शुरू में थोड़े हमारे पास आपस में हैं वो घुले होंगे बट इमिसिबल है अगर आप कंटिन्यूस उस पर ग्रेविटी लगने देते हैं तो आपको पता है कि हाई डेंसिटी का फ्लूड है वो नीचे आ जाएगा ठीक है ना जैसे वाटर है हमारे पास नीचे चला जाएगा और ऊपर की साइड में हमारे पास क्या ऑयल रहेगा तो कुछ इस तरह की आपके पास अंदर सिचुएशन बनने वाली है कि लोअर डेंसिटी का फ्लूड है वो ऊपर रहेगा हायर डेंसिटी का फ्लूड है वो आपके पास नीचे रहेगा और बीच में आपके पास एक इंटरफेस बन जाएगा ठीक है ना और कंटिन्यूस ग्रेविटी उस पर लगती रहेगी तो इंटरफेस है वो बेटर से बेटर बनता जाएगा और आपके पास अल्टीमेटली जो दो डिफरेंट डेंसिटी के फ्लूड थे वो जो आपस में इमिसिबल थे फिर भी आपस में हमारे पास के वो मिक्सड थे तो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंटिन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर ठीक है ना तो आपको पता है कि इसको टॉप व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपका ये जो व्यू है ये आपका क्या है टॉप व्यू है हेलीकॉप्टर व्यू है तो आप नीचे की साइड में ऊपर की साइड में अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड में ऑयल होगा नीचे की साइड में आपके पास वाटर होगा आपको पता है ऊपर की साइड से आप क्या ले लेते हैं ठीक है ना ऊपर की साइड से आप हेवी लिक्विड है वो आउटलेट सॉरी ठीक है ना नीचे की साइड से आप लाइट लिक्विड है उसका इसको ऐसे दिखा सकता हूं मैं कि आपका नीचे की साइड है ये हेवी लिक्विड आउटलेट है हेवी लिक्विड आउटलेट और ऊपर की साइड में से आपको पता है कि लाइट लिक्विड होगा तो इसको हम बोल सकते हैं कि लाइट लिक्विड है लाइट लिक्विड आउटलेट है ऊपर से लेते हैं मेरी बात इतनी समझ में आ गई कि सर ये सिंपल सीमेटिक आपने बताया है ये हमें समझ में आया ठीक है ना आपको पता है कि एक साइड से हमारे पास है वो फीड इंटर करेगी ठीक है ना फीड इंटर एट वन साइड वट एट वन एंड वन एंड पे हमारे पास क्या करेगी फ़ीड इंटर करेगी ठीक है ना फ़्लो हमारे पास है वो कंटिन्यूअसली हमारे पास डिकेंटर के थ्रू फ्लो होगा ये बात आपको समझ में आती है और देखो यहाँ पर फ्लो है वो बड़ा ही स्लो होता है ठीक है ना आराम आराम से फ़्लो करने ही दिया जाता है ताकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के अंदर वो इम्पोज हो सके आपके पास जो सोल्यूशन है वो इम्पोज हो सके ठीक है क्या बोल रहा हूँ मैं मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कितने कि बच्चे हैं क्लास के अंदर ठीक है बारह बच्चे हैं क्या ठीक है तो चलिए मैं आपको कल से है वो ठीक है कल से मैं YouTube पे भी प्रैक्टिस सेशन से है वो स्टार्ट कर दूंगा कल से मैं बंद करवा दूंगा फ्लूड मैकेनिक्स ठीक है फ्लूड मैकेनिक्स पे भी हम प्रैक्टिस सेशन से से है वो स्टार्ट कर देंगे शायद आप प्रैक्टिस सेशन से ही लेना चाहते हैं तो ठीक है आपकी मर्जी है जै जैसा आप चाहेंगे ठीक है कल से मैं प्रैक्टिस सेशन में कन्वर्ट करवा दूंगा शेड्यूल है वो बदल दूंगा इस महीने का ठीक है मैंने पूरा शेड्यूल किया था फ्यूड डायनेमिक्स है वहाँ तक मैंने किया था बट आप चाहते ही नहीं हैं तो कोई बात नहीं है ठीक है चलिए तीसरी बात मैंने दूसरी बात ये बोली है कि हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूसली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ठीक है ना कंटिन्यूसली हमारे पास यहाँ पे फ्लो है वो डिक्टर के अंदर फ्लो होता है वो कंटिन्यूस होता है साथ ही साथ स्लो होता है स्लो इसलिए ताकि हमारे पास ग्रेविटी के अंदर जितना ज़्यादा इम्पोज होगा ग्रेविटी उस पर जितने ज़्यादा अलाउ होगा अलाउ करेगा अपने आप को उतना ही बेटर सेपरेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है और आपको पता है कि यहाँ पे दो लेयर मिलने वाली हैं बीच में एक इंटरफेस बनने वाला है लेयर के अबाउथ साइड में हमारे पास होगा वो लाइट लिक्विड होगा लेयर के नीचे की साइड में हमारे पास होगा वो हैवी लिक्विड होगा अब हमारे पास यहाँ पर सबसे अहम बात होती है ठीक है ना वो होती है कि हेवी लिक्विड का आउटलेट आप ले रहे हैं वो कितनी हाइट पर ले रहे हैं अब ये बात क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है इस चीज़ को हम समझते हैं मैं आपको इस डायग्राम ये जो कंटिन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर है इसका साइड व्यू आपको दिखाता हूँ ताकि आप एक इंटरफेस देख पाएँ दोनों लिक्विड्स को यहाँ पर इस डिकेंटर के अंदर देख पाएँ तो आपके पास कुछ ऐसा है ठीक है यहाँ आपको पता है कि आप इस तरह से फीड देते हैं और ये इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से आप समझ सकते हैं बोलो समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते कि ये हमारे पास फीड जो है आपकी कुछ ऐसे इस साइड से भी है और पीछे की साइड से भी आप इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं कि दोनों साइड से आप यहाँ पे फीड दे रहे हैं मैं पीछे की साइड की दिखा नहीं सकता हूँ आपको ठीक है ना बट आप समझ सकते हैं कि फीड है वो हमारे पास दोनों साइड से इंटरफेस को मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ कि आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर है वो इंटरफेस बन गया है ठीक है ना ऑयल और वाटर के बीच में ठीक है ना नीचे की साइड में मान लीजिए कि आपके पास वाटर है जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ ठीक है ना ये आपका ऑयल है ठीक है ना ऊपर की साइड में आपके पास है सॉरी नीचे की साइड में आपके पास क्या रहेगा वाटर रहेगा हाई डेंसिटी का ना जो हाई डेंसिटी का इसको हम वाटर बोल देते हैं ठीक है ना इसको वाटर बोल देते हैं और एक डिफरेंट कलर से मैं दिखा देता हूँ ठीक है ब्लू से दिखा देता हूँ या फिर मैं इससे दिखा देता हूँ आपका ये आपका वाटर बन जाएगा ये इतनी हाइट तक कोलम के अंदर ये हमारे पास है ये ऊपर की साइड में ऑयल हो जाएगा ठीक है ना ये ऊपर की साइड में ऑयल हो जाएगा अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार यस बोल दीजिए कि सर बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं आप ठीक है ना यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑयल ठीक है तो बोलो ऐसी ही कंडीशन होगी कि नहीं होगी सिंपल है हमारे पास डिकेंटर है लेफ्ट साइड से यहाँ पर आपने दोनों साइड से फीड है इन लेट करी ये आपके पास कंटिन्यूसली फ्लो करता जाएगा एक इंटरफेस बन जाएगा ऊपर आपका लाइट लिक्विड होगा नीचे आपके पास हेवी लिक्विड होगा आप ऊपर से वो लाइट लिक्विड ले, ले लेंगे और नीचे से आप हेवी लिक्विड है वो डिस्चार्ज पर ले लेंगे और इस तरह से आपके पास कंटिन्यूसली सेपरेशन होगा बट यहाँ पे फ्लूड मैकेनिक्स का क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है काय को हम यहाँ पे फीड है वो दोनों साइड से इक्वली हमारे पास यहाँ पे डाल रहे हैं इसका क्या रीज़न है देखिएगा आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको ये साफ पता है कि वाटर और ऑयल है वो आपस में इमिसिबल है ये बात आप जानते हैं तो इनको अगर हम प्रॉपरली हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर रखे हैं तो अपने आप ये सेपरेट हो जाते हैं एज सिंपल एज दैट बट ये आपस में घुले हुए क्यों हैं इमिसिबल हैं फिर भी आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स क्यों हैं ठीक है ना मिक्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लो के अंदर टर्बुलेंस ही है ठीक है ना इसीलिए तो आप इसके अंदर फ्लो है वो स्लो करवाते हैं ताकि हमारे पास वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो वो कम से कम हो आराम से हमारे पास वाटर वो अलग हो सके और हमारे पास ऑयल है वो अलग हो सके तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर फीड है वो दोनों साइड से डाली है डिकेंटर के आपको पता है कि अगर आपका ये डिकेंटर है तो इस साइड से और इस साइड से आपने बीच में है वो फीड दोनों साइड से डाली है इसका रीज़न ये है कि अगर आप फीड को एक ही स्ट्रीम से ऊपर से गिराते तो हो सकता था कि हमारे पास वहाँ पे इस टिकेंटर के अंदर टर्बुलेंसी क्रिएट हो जाती अगर टर्बुलेंसी क्रिएट होती तो वो आपस में फिर से घुलते ठीक है ना ना कि हमारे पास सेपरेट होते आपको पता है ना कि टर्बुलेंसी वो मिक्सिंग को हमारे पास बढ़ावा देती है ना कि सेपरेशन को अगर आपको सेपरेशन करना है तो आपको वहाँ पर टर्बुलेंसी को मिनिमाइज़ करना होगा तो टर्बुलेंसी को मिनिमाइज़ करने के लिए ही आप क्या करते हैं उनको इंटरफेस जहाँ पे बनता है लगभग उसी जगह पे दोनों साइड से इनलेट करते हैं ताकि हमारे पास इस डिकेंडर के अंदर कोई भी टर्बुलेंसी क्रिएट ना हो और एक बेटर सेपरेशन हो सके तो ये हमारे पास फीड इनलेट का इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो आपको बेटर सेपरेशन को लीड करता है इसीलिए आप यहाँ पर फीड जो है वो दोनों साइड से और इंटरफेस की जगह पर इनलेट करते हैं तो ये रीज़न आपको समझ में आया इस डिकेंटर के अंदर होता क्या है हमारे पास दोनों फ्लूड हैं वो ग्रेविटी के अंदर इम्पोज होते हैं स्लोली हमारे पास फ्लो करते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ जाते जाते हो तो ऑयल है वो हमारे पास ऊपर की तरफ जाता जाता है वाटर हमारे पास नीचे और बीच में एक इंटरफेस बन जाता है और हमारे पास इस तरह से सेपरेशन हम कर लेते हैं और कंटिन्यूसली हम आउट ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं जैसे इस फ्लूड का हम यहाँ पे आउट ले लेंगे यहाँ से हम क्या कर लेते हैं इसको आउट पे ले लेते हैं ठीक है ना ये आपका लाइट लिक्विड है उसका आउट ले लेते हैं लाइट लिक्विड आउटलेट मेरी बातें सभी को समझ में आ रही हैं तो एक बार यस बोलो कि सर जितनी बातें आपने बताई हैं ये हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही हैं लाइट लिक्विड आउटलेट है आपका ये ठीक है ना और ये आपका क्या है आप देखिएगा यहां पर मैं लेता हूँ हाइट हमारे पास ये इस हाइट पे लेता हूँ heavy लिक्विड आउटलेट हेवी लिक्विड आउटलेट अब देखो क्या है ये इसका रीज़न देखना क्या है ठीक है ना ये जो हाइट है अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है अपने लिए ठीक है ना अब आपको एक सवाल मैं पूछता हूँ आप बताना मेरे को ठीक है किस किस बच्चे को पता है कि सर ये तो तय है कि नीचे वाले लिक्विड को आप कितनी हाइट पे निकालते हैं अगर अब इसको ज़्यादा हाइट पे लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा हाइट पे आउटलेट लेते हैं या लो हाइट पे आउटलेट लेते हैं तो इस लिक्विड इस डिकेंटर के अंदर टोटल लिक्विड की क्वांटिटी है या फिर हमारे पास ये टोटल हाइट जो है डिकेंटर के अंदर वो हमारे पास कम या ज़्यादा होगी अगर मैं इस हाइट को कम या ज़्यादा करता हूँ तो ये सिंपल विजुलाइजेशन कौन कौन बच्चा कर सकता है वो एक बार यस बोले कि सर मैं कर सकता हूँ ठीक है ना क्या आपको पता है कि ये हेवी लिक्विड का आउटलेट आप ले रहे हैं ये किस हाइट पे ले रहे हैं अगर इस हाइट को आप कम ज़्यादा करते हैं तो इस डिकेंडर के अंदर जो टोटल फ्लूड की हाइट है वो भी हमारे पास कम ज़्यादा होगी इस चीज़ को हम आराम से कॉमन सेंस से समझ सकते हैं ऐसा ही होने वाला है क्योंकि हमारे पास दोनों साइड में प्रेशर है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट पे उसका आउटलेट ले रहे हैं मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए आप मुझे तो क्या आप सभी को ये बात समझ में आई कि सर हैवी लिक्विड का आउटलेट है वो हमारे लिए कितना अहमियत रखता है तो फिर हम हेवी लिक्विड का आउटलेट लें कितनी हाइट पे कितनी हाइट पे हमें लेना चाहिए ताकि हमारे पास है वो बेटर सेपरेशन हो सके अब देखो आपने डिकेंटर जो भी बनाया है आप चाहते हैं उसकी मैगजिमम स्पेस का यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते बताइए आप मुझे डिकेंटर जो भी आपने यहाँ पे यूज़ किया है उसका मैगजिमम स्पेस आप यूज़ करना चाहते हैं फॉर द सेपरेशन अब ऐसा तो नहीं करना चाहते कि हमारे पास डिकेंटर हो एकदम खाली रन हो ना ही आप ये चाहते हैं कि ये ओवरफ्लो कर जाए और हमारे पास इंटरफेस पर लोड बन जाए और ये हमारे पास कभी सेपरेट ही ना हो तो आप इस हाइट को कुछ इस तरह से चूज़ करेंगे ताकि हमारे पास डिकेंटर का मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस है दैट विल बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ टू इमेसिबल लिक्विड हमारे पास ये जो तो लिक्विड है इनके सेपरेशन के लिए मैक्सिमम स्पेस है वो डिकेंटर का यूज हो सके इस तरह से आप आउटलेट की हाइट है वो लेने वाले हैं मेरी बात इतनी सभी बच्चों को समझ में आई है तो एक बार यस बोल दीजिए कि सर ये बात आपने जो बताई है मैं हम क्लैरिटी के साथ समझ में आई हमें ये चीज़ें समझ लेने में कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पे मैं कुछ नोटेशन बताने जा रहा हूँ और मैथमेटिक्स को डेवलप करने चाह रहा हूँ ठीक है ना देखना मैं आपको क्या बता रहा हूँ हम रिलेट कर सकते हैं ये हेवी लिक्विड की आउटलेट हाइट कितने पर लेते हैं और इंटरफेस की हाइट है इसको आपस में रिलेट कर सकते हैं इंटरफेस कितनी हाइट पर बनेगा और ये इस हाइट के साथ कैसे रिलेट होगा यही अपना निकालना उद्देश्य होता है कि हेवी लिक्विड आउटलेट या हेवी लिक्विड का डिस्चार्ज जो है हमारे पास कितनी हाइट पे है और ये इंटरफेस की हाइट के साथ कैसे रिलेटेड है इसको हम लिंक करने वाले हैं बाई यूजिंग फ्लूड स्टेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगा के फ्लूड स्टेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगा के हम इन दोनों चीज़ों को क्या करने वाले हैं आपस में रिलेट करने वाले हैं अब यहाँ पर मैथेमेटिकल पार्ट है वो आपको बताता हूँ ये वाली हाइट जो आपको बने बताई है कि हेवी लिक्विड डिस्चार्ज जिस हाइट पे आप ले रहे हैं इसको मैं बोल रहा हूँ कि आपकी हाइट है वो जेड ए टू है अब नोटेशन आप देखते जाना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ ये हेवी लिक्विड डिस्चार्ज है या हेवी लिक्विड आउटलेट की जो हाइट है हा आपकी ये जेड ए टू है इंटरफेस आपने जितनी हाइट पर लिया है इस इंटरफेस वाली हाइट को मैं बोल रहा हूँ कि हाइट आपकी जेड एवन है ठीक है ना तो ये हाइट कौन कितनी आपकी ये जेड एवन है हालांकि मैं नीचे आपके लिख दूँगा ठीक है ना तो ये जेड एवन है साथ ही साथ आपको मैं ये बता रहा हूँ ठीक है ना कि आपका जो इंटरफेस है ठीक है ना ये इंटरफेस है इसकी या फिर मैं बोलूँ कि हमारे पास डेप्थ ऑफ जो लाइट लिक्विड है इसको मैं बोल रहा हूँ कि आपकी ये जेड ठीक है ना बी है आपकी ठीक है ना जेड बी है आपकी जेड बी है ये जेड बी इसको बोल रहा हूँ मैं डेप्थ ऑफ लाइट लिक्विड की डेप्थ जो है वो हमारे पास जेड बी है ये आपके पास नोटेशन मैंने यूज़ किए हैं साथ ही साथ हम एक और नोटेशन यूज़ कर सकते हैं कि इस इसके अंदर हमारे पास जो ये डिकेंटर है इसके अंदर टोटल हाइट जो है ये वाली टोटल हाइट जो है ये वाली इसको मैं बोलता हूँ कि जेड टोटल दैट विल बी इक्वल टू जेड ए वन प्लस जेड भी अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार यस बोल दीजिए कि सिर लाइट लिक्विड की डेप्थ है उसके अंदर अगर आप हेवी लिक्विड की डेप्थ ऐड कर देंगे तो टोटल डेप्थ हमारे पास डिकेंटर के अंदर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी ये बात किस किस बच्चे को समझ में आती है ये नोटेशन मेरे मैंने जो लिखे हैं ये सभी को समझ में आए तो एक बार यस बोल दो कि सर जो मैथमेटिकल नोटेशन आपने लिखे हैं यहाँ पे इनको समझ लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि और बाकी की मैथेमेटिक्स के अंदर कौन कौन से नोटेशन हमने यूज़ किए हैं मैं यहाँ पे जो हेवी लिक्विड है उसकी डेंसिटी को इस लिक्विड को ए बोल रहा हूं मैं ठीक है ना और इसकी डेंसिटी को रो ए बोल रहा हूं ऑयल है इसकी डेंसिटी को मैं रो बी बोल रहा हूं ठीक है ना तो यहां पे मैं लिख देता हूं साथ में साथ में रो ए मैंने क्या लिया है वो लिया मैंने डेंसिटी ऑफ हेवी लिक्विड ठीक है ना डेंसिटी ऑफ हेवी लिक्विड रो बी मैंने लिया है वो मैंने लिया है डेंसिटी ऑफ है लाइट लिक्विड ठीक है ना ये रो भी है आपका जेड एवन क्या है ठीक है ना जेड एवन आपको पता है कि जेड एवन विल बी डेप्थ ऑफ द ठीक है ना डेप्थ ऑफ हेवी लिक्विड बताओ सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा ठीक है ना डेप्थ ऑफ द लेयर ऑफ हेवी लिक्विड ठीक है ना बाकी हमारे पास और क्या क्या नोटेशन यूज किए मैंने जेड बी क्या यूज किया है डेप्थ ऑफ हेवी लिक्विड है कि नहीं है बताइए आप मुझे डेप्थ ऑफ लाइट लिक्विड ठीक है ना क्या मैं सही बोल रहा हूं ठीक है ना लाइट लिक्विड की डेप्थ depth है डेप्थ ऑफ लाइट लिक्विड लाइट लिक्विड की डेप्थ हमारे पास है वो जेड बी से मैंने लिखी है ठीक है जेड टी मैंने बता दिया टोटल हमारे पास डेप्थ है ठीक है जेड ए टू क्या है जेड ए टू आपको पता है कि हाइट ऑफ है लिक्विड डिस्चार्ज ये बात समझ में आती है सभी को तो एक बार यस बोल दो कि सर ये नोटेशन आपने बताया डायग्राम से रिलेटेड ये हमें समझ लेने में कोई दिक्कत नहीं है बोलो जिस जिस बच्चे को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं वो एक बार यस बोलेगा कि सर हमें ये बात समझ, आपने जो बोली है ये हमें समझ में आई ठीक है।, है अब क्या आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं इस को इस जो डिकेंटर है इसके बॉटम पे अगर एक क्या लेता हूँ अगर एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ ठीक है ना? ये रेफरेंस लाइन ली है तो इसके किसी भी हाइट पे प्रेशर सेम रहेगा तो यहाँ का प्रेशर विल बी इक्वल टू यहां का प्रेशर अगर मैं सही बोल रहा हूं तो एक बार यस बोल सकते हैं कि सर जाहिर सी बात है इसी के बेस पे तो ये हाइट कम ज्यादा होती है तो यहां का प्रेशर मैं लिख रहा हूँ दिस विल बी इक्वल टू यहाँ का प्रेशर हम एक एक रेफरेंस लाइन के ऊपर प्रेशर दोनों जगह पे सेम रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए आप मुझे तो पहले मैं ये वाला प्रेशर लिखता हूँ ठीक है ना पहले ये वाला प्रेशर लिखता हूँ तो बोलो क्या होना चाहिए अब बोलोगे सर प्रेशर होता है गेज हाँ, प्रेशर रोजी एच तो डेंसिटी हमारे पास ये वाला लिक्विड है ये हेवी लिक्विड है तो हेवी लिक्विड की डेंसिटी रो ए है तो रो ए ठीक है ना इन टू जी हाइट कितनी है जेड ए टू मेरी बात जिस इस बच्चे को समझ में आ गई वो एक बार यस बोल दे कि सर ये वाला प्रेशर हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ये पहला प्रेशर सभी को लिखना है तो एक बार यस बोल दो कि सर यहाँ का प्रेशर इस रेफरेंस लाइन के ऊपर ये वाला प्रेशर जो हेवी लिक्विड डिस्चार्ज के आउटलेट पे हमें मिलेगा ये वाला प्रेशर हम आराम से लिख सकते हैं डन बोलिए यस बोलिए कि यस सर हमें ये बात समझ में आ गई है अब आपको ये वाला प्रेशर लिखना है तो दो दो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे एक तो आपके पास होगा रो ए रो ए इंटू जी और इन् टू जेड वन ठीक है ना प्लस आपके पास होगा रो बी ठीक है ना? इं जी इंटू जेड बी अगर मेरी बात सभी को ये समझ में आ गई कि सर ये वाला कैसे बना हमारे पास रो ए इंटू जी इंटू जेड ए वन और रो बी इंटू जी इंटू जेड बी बताओ ये सिंपल सा बैलेंस जिस इस बालक को समझ में आया वो एक बार यस yes बोलेगा कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये बात किस किस को पता है कि सर हम एक रिलेशनशिप ये भी जानते हैं कि हमारे पास जेड टोटल जो है आपके पास वो इक्वल है जेड ए वन प्लस जेड बी के ये है कि नहीं अब इन दोनों मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आपस में हम पैरामीटर्स को क्या कर सकते हैं रिलेट कर सकते हैं अब देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास रो ए रो ए दो बार आ रहा है तो मैं इसको इधर ले आता हूँ रो ए इंटू जी को कॉमन ले, ले लेता हूँ तो रो ए इंटू जी इंटू जेड ए टू माइनस का इसको इधर ले आया तो ये बन गया रो ए इंटू जी इंटू जेड वन ये बन गया आपके पास इक्वल टू इस साइड में आपके पास बन गया रो बी इंटू जी इंटू जेड बी अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रो ए इंटू जी है वो कॉमन आ रहा है आपके पास ब्रेकिट में बन जाएगा जेड ए टू माइनस का जेड एवन इजिकल टू रो बी इंटू जी इंटू जेड बी ये बन गया अब यहाँ से जी है वो जी से कैंसिल आउट हो जाएगा साथ ही साथ ठीक है जेड आपका यहाँ से निकल के आएगा वो निकल के आएगा जेड ए टू ठीक है ना माइनस का जेड बी इंटू रो पी बाय रो ए ये आपके पास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार यस बोल सकते हैं कि सर ये वाली बात हमें समझ लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मैं यहाँ से जेड ए टू लिखता हूँ ठीक है ना अगर जेड ए वन लिखता हूँ तो ये साइड में चला गया ये साइड में मैंने डिवाइड कर दिया आपके पास ये बन जाएगा अरे बोलो बना कि नहीं बना या फिर मैं इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करके बाद में लिख देता हूँ तो आप बोलोगे सर इसको आप देखें तो आपके पास इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जेड ए टू माइनस का जेड ए वन है ये आपके पास हो जाएगा रो बी बाय रो ए ठीक है ये हो जाएगा आपके पास अब यहाँ पर आपको पता है इन् टू जेड ठीक है ना अब मैं यहाँ से लिखता हूँ इसको जेड ए वन को इधर ले आया तो ये हो जाएगा जेड ए वन इजिकल टू जेड ए टू माइनस का जेड बी इंटू रो बी बाई रो ए इतना सभी को समझ में आ गया तो एक बार यस बोल दो कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये बात हमें समझ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना अब हमें पता है कि जेड टी आपका ये है ठीक है ना तो यहाँ से जेड भी लिख देता हूँ तो जेड भी क्या बनेगा बोलोगे सर जेड भी यहाँ से बनेगा वो बनेगा जेड टी माइनस जेड ए वन अब जेड भी है वो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ ठीक है ना इस इक्वेशन से मैंने वो जेड भी लिखा है तो आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे जेड भी पुट कर देता हूँ तो जेड ए वन क्या आएगा आप बोलोगे सर जेड ए वन हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा जेड ए वन इजिकल टू ये क्या है आपका जेड ए टू है तो ये रख दिया मैंने जेड ए टू ठीक है ना जेड ए टू माइनस का ये क्या है आपके पास हाँ आप बोलोगे सर जेड भी है तो जेड भी की जगह जेड टी माइनस का जेड एवन रख दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास जेड टी माइनस का जेड ए वन ठीक है ये रख दिया और रो रोबी इंटू ए तो ये आ गया हमारे पास रो रोबी बाई ए अब एक बात बताइए जेड एवन निकालना है तो जेड एवन यहाँ पे हमारे पास एक तो ये बन गया तो मैं एक काम करता हूँ जेड एवन इस साइड वाले को इधर ले आता हूँ तो जेड ए वन प्लस जेड ए वन पास कॉमन आ जाएगा और इंटू रो बी बाई रो ए इधर ले आया और ये आपके पास बन जाएगा जेड ए टू माइनस का जेड टी प्लस का जेड ए वन इंटू रो बी बाई रो ए मेरी बात समझ में आई तो एक बार यस बोल दो कि सर बात समझ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बात हमें समझ में आई अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जेड ए वन है इसको कॉमन निकाल लेते हैं इसको इधर लाए तो माइनस का हो गया ना ये ये वाला तो आप इधर ले आए ना ये वाला तो इधर ले आए आप ठीक है सॉरी इसमें थोड़ा सा मैंने मैथेमेटिकल लोचा कर दिया आप इसको ठीक कर लेना ठीक है ना मैं ठीक कर देता हूँ मैं ही ठीक कर देता हूँ मैंने क्या किया है जेड टी है ये माइनस का बनेगा इंटू रो बी बाई रो ए आएगा बस ये बनेगा आपके पास और ये इधर जाएगा तो ये माइनस का आएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार यस बोल दो कि सर बिल्कुल ठीक बात है ये बन जाएगा वन माइनस रो बी बाई रो ए ठीक है ना और एजिकल टू ये बन जाएगा हमारे पास जेड ए टू माइनस का जेड टी इनटू रो बी बाई रो ए ठीक है ना ये आपके पास निकल के आ जाएगा और यहाँ से जेड ए आप आपके पास बनेगा वो रिलेट कर सकते हो आप जेड ए टू ठीक है ना माइनस का जेड टी रो बी बाई रो ए ठीक है ना अपॉन हमारे पास बनेगा वन माइनस रो बी बाय रो ए अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार यस बोल दो कि सर बिल्कुल ठीक बात है ये आपका जेड एवन है ये निकल के आ गया सभी को ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि सर हमें ये पता लग गया कि जेड ए टू है ये हमारे पास इंटरफेस की हाइट के साथ किस तरह से रिलेटेड है हेवी लिक्विड डिस्चार्ज है ये हमारे पास इंटरफेस के साथ किस तरह से रिलेटेड है ये हम आराम से देख सकते हैं डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सवाल है यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है तो क्या आपको ये पता लगा कि लिक्विड लिक्विड इंटरफेस जो है ये इंटरफेस की हाइट जो है ये हमारे पास डिपेंड करती है कि डेंसिटी का रेशियो कितना है साथ ही साथ हमारे पास जेड ए टू पर डिपेंड करती है तो क्या आपको ये बात समझ में आई ठीक है ना सर आप इंडिया में नंबर वन एफ़ एम पढ़ाते हो आप जैसा एफ एम कोई नहीं पढ़ा सकता यू आर ग्रेट सर अरे ये तो आपके पास देखने का नज़रिया है हुँ? आपको चीज़ें समझ में आती हैं मज़ा आता तो अपने आप आपके अंदर से ऐसी भावनाएँ उमड़ती हैं बाकी ऐसा कुछ है नहीं ठीक है देखिए आपको मज़ा आ रहा है ना आपको चीज़ें समझ में आती हैं आपका काम आसान होता है हम आपकी शब्दों के रेस्पेक्ट करते हैं थैंक यू ठीक है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप मुझे ये जेड एवन आपने कैसे निकाला आसान है कि नहीं है बताओ मुझे ये सबसे आसान सवाल ये सॉरी आसान सी चीज़ है ना ये डिकेंडर आपका ठीक है हुँ. तो क्या आपको ये पता लगा कि नहीं पता लगा कि सर जेड एवन है ठीक है जेड एवन आपका ये बन जाएगा आपके पास क्या आपका जेड एवन है ये हमारे पास जेड ए टू ठीक है ये आ गया आपके पास निकल के रोबी बाई रो ए ना अब आप, आपको किस किस बच्चे को ये पता है कि सर जे ए वन ठीक है ना ये आपका डायरेक्टली हमारे पास डिपेंड करता है एक तो ये क्या चीज है आप बोलोगे सर ये हमारे पास डेप्थ ऑफ इंटरफेस है, है कि नहीं है बताओ आप मुझे सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा डेप्थ ऑफ इंटरफेस है ठीक है ना तो इंटरफेस की डेप्थ है हमारे पास किस पे डिपेंड करती है एक तो हमारे पास डिपेंड करती है रेशियो ऑफ डेंसिटी पे ठीक है ना करती है कि नहीं करती रेशियो ऑफ डेंसिटीज पे डिपेंड करती है और दूसरा हमारे पास किस पे डिपेंड करती है हाइट ऑफ हेवी लिक्विड डिस्चार्ज सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हेवी लिक्विड डिस्चार्ज ठीक है ना अब बताओ आप मुझे ठीक है ना ये आपको सभी को समझ में आ गया ठीक है ये आपको जो मैंने बताया ये आपको सभी को समझ में आ गया अगर आपको मैं पूछूं कि क्या हमारे पास ये इंटरफेस की हाइट जो है ये फ्लो रेट पे डिपेंड करती है तो कहीं पे भी आपके पास फ्लो रेट है उससे रिलेटेड रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलता है तो क्या मैंने जो बातें बोली हैं ये आपको सभी को समझ में आई हैं अगर आपको समझ में आई हैं तो एक बार यस बोल दीजिए कि यस सर आपने जो बातें बताई हैं हमें ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ समझ में आई कोई बात हमें समझने में दिक्कत नहीं है ठीक है ना क्लियर है आप सभी को अब हम आपको ये बता रहे हैं ठीक है एक और बात आपको ध्यान में रख लेनी है एक यहाँ पर आपके पास क्या देखने को मिलता है ठीक है ना आप देखने को मिलता है आपको एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप ठीक है ना ये हमेशा ध्यान रखना आपको पता है ना कि ये सर ये हमारे पास कंटिन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर है इसके अंदर सेपरेशन के अंदर आपको पता है कि सेपरेशन के अंदर टाइम लगने वाला है ना कोई ना कोई टाइम लगेगा ठीक है ना तो ये टाइम कितना लगेगा सेपरेशन में आपको पता है जितना ज़्यादा आप स्लो फ्लो करवाएंगे ना उतना ही बेटर सेपरेशन होगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या अगर मैं ये बोलता हूँ कि कंटिन्यूस ग्रेविटी डिकेंडर के अंदर आप जितना धीरे फ्लो कराएंगे धीरे फ्लो कराने का मतलब आप उतना ही उसको अलाउ कर रहे हैं कि उस पर ग्रेविटी लगे यही एक तरीका है ग्रेविटी ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने का कि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेशन से के टाइम अलाउ करें ठीक है ना अब आपको एक चीज़ पूछता हूँ मैं सेपरेशन में कितना टाइम लगेगा ये एक चीज़ पर ये डिपेंड करता है अगर आप बताओ मुझे ये टाइम टाइम ऑफ सेपरेशन में बोलता हूँ अगर आपके पास फ्लूड है उन दोनों की डेंसिटी के बीच में फ़र्क ज़्यादा है तो बोलो वहाँ पे टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा ये कॉमन सेंस हमारा बोलता है कि नहीं बोलता ठीक है ना बताइए आप मुझे अगर दोनों फ्लूड की डेंसिटी है वो अगर उनमें डिफरेंस ज़्यादा है एक की बहुत ज़्यादा डेंसिटी है कि बहुत कम है अगर वो डेंसिटी में डिफरेंस ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द टाइम ऑफ सेपरेशन इज इनवर्सली प्रपोज टू द डेंसिटी डिफरेंस हमारे पास हेवी लिक्विड है वो हमने यहाँ पे क्या माना था ए को माना था क्या तो रो ए माइनस रो बी ठीक है ना क्या ये डेंसिटी डिफरेंस है हमारे पास इसके इनवर्सली प्रपोज़ है कि नहीं है उतना ही कम टाइम लगेगा जितना ज़्यादा डेंसिटी के अंदर डिफरेंस होगा एक और आप बताता हूँ आप मुझे क्या आपको पता है कि जितना हमारे पास फ्लूड है वो स्लो हमारे पास यहाँ पे फ्लो करेगा उतना यहाँ पे लेस डिस्टरबेंस होगा ना और उतना ही हमारे पास जल्दी सेपरेशन होगा अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार यस बोल सकते हैं कि सर ये बात भी आपने ठीक बोली ठीक है ना तो हमारे पास स्लो फ्लो के लिए क्या कौन सी प्रॉपर्टी रिलेट कर सकते हैं आप विस्कोसिटी अगर फ्लूड की विस्कोसिटी हमारे पास ज्यादा हुई आप बताइए मुझे अगर फ्लूड की विस्कोसिटी ज्यादा होना विस्कोसिटी ज्यादा होना किसको बताता है बताओ मुझे स्लो फ्लो को बताता है कि नहीं बताता बहुत ज़्यादा स्लो फ्लो होना हाईली विस्कस फ्लो स्लो फ्लो होना और अगर फ्लो हमारे पास स्लो हुआ तो टाइम ऑफ सेपरेशन ज्यादा होगा सही बात है कि नहीं है अगर हमारे पास एकदम धीरे 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 हमारे पास फ्लूड करता गया अगर विस्कस हुआ हाईली तो फ्लो स्लो करेगा अगर स्लो फ्लो करेगा तो टाइम ऑफ सेपरेशन ज्यादा ही होगा बताइए मुझे अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार यस बोल दो कि सर ये बात भी हमें समझ में आती है तो विस्कोसिटी के साथ हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड है टाइम है उतना ही ज्यादा लगेगा जितना हमारे पास फ्लूड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास टी जो है वो म्यू के डायरेक्टली प्रपोजना ये बात आप समझ में आ गई आपको तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि सर टी जो होता है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रपोजल होता है म्यू अपोन रो ए माइनस के रो बी के अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार यस बोल दो कि सर सभी को ये बात हमें ये समझ में आई कोई दिक्कत है नहीं बात समझ लेने में हमें ये बात समझ में आई ये आपके पास एक अगर आप इनमें एक प्रॉपर यूनिट के अंदर लेके ये एक्सपेरिमेंट एक से देखा जाता है कि अगर आप अलग अलग यूनिट के अंदर इसको देखें तो आपके लिए तो प्रपोजनल्टी साइन वाला रिलेशन है वो ज़्यादा अहमियत रखता है बट आप अलग अलग यूनिट के अंदर देखें तो आपको एक रिलेशनशिप एक इंपेरिकल कोरिलेशन आपको देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा होता है ठीक है ना जहाँ पे डेंसिटी विस्कोसिटी और टाइम की यूनिट है वो हमारे पास अलग अलग होती हैं प्रॉपर यूनिट के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ऐसा आपको देखने को मिलता है बाकी आपके काम की चीज़ है वो है टी म्यू के साथ और रो ए रो बी के साथ किस तरह से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए आपको ये पता है तो आपका काम हो जाएगा आपको ये हंड्रेड याद रखने की जरूरत है नहीं सभी को मेरी बात समझ में आ गई तो एक बार यस बोल दीजिए कि सर कंटिन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर से रिलेटेड आपने जो बात बताई है हमें अपसूलूट क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई कोई दिक्कत है नहीं अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एक सवाल दे दूँ आपको कंटिन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर पे एक सवाल करवा दूँ अगर आप चाहें तो बोलो हैं कर लें एक सवाल चलिए जस्ट गिव मी थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए मैं आपके लिए एक 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 स्लाइड है वो ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन वाली ठीक है आपके लिए क्वेश्चन की स्लाइड है वो मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ी सी देर आप जस्ट just... तीस सेकेंड का टाइम दीजिए मेरे को ये राजी ठीक है ना आपका सवाल है ये सिर्फ सवाल ही देता हूं आंसर तो तुम निकाल लेना ठीक है ना तो मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें ठीक है ना आंसर तुम निकाल के बताओ मेरे को कितना आएगा ऑप्शन है वो आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर ठीक है तो ये रहा आपका सवाल ठीक है इसको पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या आपका जवाब है वो होगा इस सवाल को पढ़ के गणित छः तारीख से स्टार्ट हो रहा है तरुण ठीक है ना छः से ही स्टार्ट है तीनों कोर्सेज़ हैं वो छः से स्टार्ट है अभी मैथमेटिक्स वाला लॉन्च किया नहीं है उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं कर रहे बट छः छः तारीख से स्टार्ट है सारे छः से ही प्रोसेस कैलकुलेशन है छः से ही मार्च ट्रांसफर का सेकेंड पार्ट थोड़ा बहुत अगर आप बच गया ट्राइंग वाला पार्ट वो वाला और छः से ही हमारे पास है वो मैथेमेटिक्स स्टार्ट है ठीक है तो छः से ही स्टार्ट है इस सवाल को पढ़िए और आप निकालिए कि क्या हमारे पास आंसर निकल के आएगा ए कंटिन्यूस ग्रेविटी डिकेंटर इज टू सेपरेट क्लोर क्लोरबेंजिन विथ ए डेंसिटी ऑफ वन वन जीरो नाइन के जी पर मीटर क्यूब ऊपरों में एक बस वास लिक्विड हैविंग ए डेंसिटी अब आपको पता है कि दो डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड है एक लाइट डेंसिटी हमारे पास एक हैवियर आपको पता है कि रो ए रो भी क्या लेना है आपको इफ द टोटल डेप्थ इन द सेपरेटर इज़ वन मीटर एंड द इंटरफेस इज टू बी पॉइंट फोर मीटर फ्रॉम द वेजल फ्लोर वाट शुड बी द हाइट ऑफ द हेवी लिक्विड ओवर फ्लो लेगी या फिर हेवी लिक्विड डिस्चार्ज वाली हाइट तुम्हें निकालनी है यानी जेड ए टू निकालना है अगर कोई बच्चा फॉर्मूला भूल गया है तो मैं बता देता हूँ कि फार्मूला ये आपका जेड ए वन इजिकल टू जेड ए टू यहाँ पे सब कुछ गिवन है वैल्यू रखनी है आंसर निकालना है बट आपको ये यूज़ तो करना आना चाहिए कम से कम आपको आइडेंटिफाई तो करने आना चाहिए पेरा प्रिंटर ठीक है ना तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आप इसको निकालिए और बताइए मुझे कि क्या आंसर आपका निकल के आएगा यहाँ पे आपका रो ए जो है ये डेंसिटी ऑफ हेवी लिक्विड है ठीक है ना डेंसिटी ऑफ ठीक है ना हेवी लिक्विड है और रो भी जो है आपके पास वो है डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड है बी आ रहा है सभी का आंसर क्या आपका आंसर है वो बी आया हम्म तो, तो सौरभ का और ब्रो का बी आ रहा है बाकी बच्चे अभी तक आपने लाइक बटन को प्रेस नहीं किया तो लाइक बटन जरूर से दबा देना निकाली और मुझे बताइए कि क्या आंसर आपका निकल आया? बी आ रहा है सोमो प्रवा दीप आपका भी बी आ रहा है ब्रो सौरभ सिंह बाकी बच्चे निकालिए देखिए भाई इसमें तो कुछ है भी नहीं सवाल तो बड़ा ही आसान दिया गया है जेड ए वन इजिकल टू मैं फॉर्मूला यहाँ पे पहले रख देता हूँ ठीक है ना और उसके बाद वैल्यू पुट कर देता हूँ तो जेड टी इंटू यहाँ पे आएगा रोबी बाय रो ए और नीचे आपके पास वन माइनस रो ए रो रोबी बाय रो ए अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए चार पैरामीटर की जरूरत है जेड ए टू आपसे पूछा है कि जेड ए टू क्या होगा जेड टू होता है क्या हमारे पास हेवी लिक्विड डिस्चार्ज पूछा है तो हेवी लिक्विड डिस्चार्ज ये होता है इंटरफेस की हाइट हमारे पास है वो क्या गिवन है हमें यहाँ पे जेड टोटल गिवन है टोटल डेप्थ इन द सेपरेटर यानी जेड टी की वैल्यू गिवन है जेड टी कितना है मीटर जेड टी आपको वन मीटर है तो जेड टी यहाँ पे रख देंगे और साथ ही साथ ये बोला गया था इंटरफेस इज टू बॉइंट फोर यानी हमारे पास जेड एवन की वैल्यू गिवन है जेड एवन की वैल्यू कितनी है पॉइंट फोर तो ये हम रख दिए पे देवन जो है वो पॉइंट फोर होगा ठीक है ना तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि लगभग हमारे पास बराबर ही आ रहा है ना जेड ए टू और हमारे पास जेड ए वन है वो लगभग हमारे पास है वो बराबर आ रहा है ना ठीक है ना ये डेंसिटी भी तो लगभग बराबर है ना सोमोप्रवाह क्या आप रिलेट कर सकते हैं क्या इस चीज़ को ठीक है ना आपको पता है क्या कि डेंसिटी हमारे पास लगभग हमारे पास बराबर होती है तो उतना ही निकल के आएगा आप इस चीज़ को देख सकते हैं ना डेंसिटी हमारे पास बड़ी क्लोजर है यहाँ पे ठीक है अगर डेंसिटी हमारे पास फर्क ज़्यादा हुआ तो आपको ये जो वैल्यू में आंसर जो है वो आपको ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा ठीक है ना आप रिलेट कर सकते हैं आप डिफरेंट डेंसिटी लेके देखिए आपको पता लग जाएगा तो अब यहाँ पे और क्या क्या गिवन है आप बोलोगे सर लाइट लिक्विड जो है हमारे पास उसकी डेंसिटी तो इसमें सेपरेशन करने में दिक्कत क्या है ठीक है ना क्या सेपरेट नहीं होगा यहाँ पर हम हेवी लिक्विड डिस्चार्ज है ठीक है ना वो हम कितना ले रहे हैं जितना हमारे पास है वो टोटल हाइट आ रही है उतना ले रहे हैं ये बताओ क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारे पास ये हेवी लिक्विड डिस्चार्ज हम यहाँ पे ले रहे हैं ठीक है ना अगर आप बताइए मुझे ये हेवी लिक्विड डिस्चार्ज है ये ये वाली हाइट जो है अगर ये जेड टी के इक्वल आ भी जाती है ये वाली हाइट मान लो कि ये जेड टी इक्वल आ भी जाती है ये वाली हाइट तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा हमें पता है कि यहाँ पे ये वाली हाइट हम इस तरह से चूज़ करते हैं ताकि हमारे पास इस स्पेस का मैक्सिमम यूज़ हो जाए और यह आपको पता है कि तभी आ सकता है जब हमारे पास इन दोनों की डेंसिटी है ये ये जेड टोटल के बराबर ये हाइट लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर तभी आ सकती है जब इन दोनों की डेंसिटी में फ़र्क ज़्यादा ना हो ये आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं अरे भाई एक ही लिक्विड होता तो हमारे पास प्रेशर यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर बराबर तब बनता जब एक ही लिक्विड होता मान लो कि वाटर होता तो यहाँ पर आप ये जो हाइट रखती तो यहाँ पर भी उतनी हाइट होती मेरी बात समझ पे आ रही है कि नहीं आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं ठीक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये ये तो हमारे पास इसके अंदर है ना पॉइंट फोर मीटर ये तो पॉइंट फोर है यह आपका वन मीटर है अगर ये वन मीटर आपके पास निकल के आता है तो इंटरफेस तो यहाँ पर रहेगा ना इंटरफेस थोड़ी ना ऊपर चला जाएगा मैग्जिम स्पेस जो है वो यूज हो जाएगा आपका यहाँ पर ठीक है अब यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकालिए तो रो ए रो की वैल्यू कितनी कितनी गिवन है वो रख दीजिए लिक्विड है इसकी डेंसिटी वन वन जीरो नाइन है तो ये आपने रख दिया वन वन जीरो नाइन और लाइट लिक्विड जो हमारे पास है उसकी डेंसिटी आपको गिवन है वो गिवन है वन जीरो टू जीरो तो ये वन ज़ीरो टू जीरो हमने रख दिया ये यह आप यहाँ पे रख दीजिए तो जेड वन आपके पास निकल के आएगा ये होगा जेड ए टू जेड वन की वैल्यू तुम्हें गिवन है सवाल के अंदर कितनी गिवन है पॉइंट जीरो फोर तो ये रख देते हैं हम यहाँ पे पॉइंट जीरो फोर पॉइंट फोर है एक्चुअल में फोर्थ जेड ए टू आपको निकालना है माइनस जेड टी की वैल्यू वन है इन टू रो बी बाई रो ए हमारे पास है ये आपका निकल के आएगा वन जीरो टू जीरो वन वन ज़ीरो नाइन और ये आपके पास बनेगा वन माइनस वन जीरो टू जीरो वन वन ज़ीरो नाइन यहाँ पर आप ये वैल्यू सोल्व कीजिए और यहाँ से जेड ए टू निकालिए आपका अप्रोक्सीमेटली है पॉइंट नाइन फाइव निकल के आएगा यानी अप्रोक्सीमेटली वन आपके पास निकल के आता है ठीक है ना तो ये आपके पास जेड ए टू की वैल्यू उतनी निकल के आती है तो आप आराम से देख सकते हैं करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर सभी को मेरी बात समझ में आ गई तो एक बार यस बोल दो कि सर आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं ये हमें चीज़ें समझ लेने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आपके लिए एक खुशखबरी यही है कि आपका सुपर थर्टी टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए शुरुआत होने जा रही है आपके लिए ठीक है ना कब है सुपर थर्टी टेस्ट सीरीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी नौ तारीख को है क्या पहला टेस्ट नौ तारीख को आपके साथ लिंक है वो शेयर कर दिया जाएगा मास ट्रांसफर पहला तीस क्वेश्चन रहेंगे हर एक कोई बच्चा वो दे सकता है फ्री ऑफ पोस्ट टेस्ट सीरीज रहेगी ठीक है ना तो हर एक बच्चा इसको दे जरूर ठीक है ना तो इसको इंडिया की टॉप फैकल्टी ने क्यूरेट किया है सवाल आपको देखने को मिलेंगे 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा आपके पास आप यूज कर सकते हैं कोड देवेंद्र पूनिया लाइव ठीक है ना कौन सा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं आप कोड लगा सकते हैं डी ई -E ई एन -E डी आर ए पीडब्लू एन आई ए एल आई वीई -E. देवेंद्र पूनिया लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर डीपी जीरो सेवन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप अनलॉक कर सकते हैं फरी ऑफ पोस्ट में ठीक है ना तो नौ अक्टूबर को मास ट्रांसफ़र है तो आज आपकी स्पेशल क्लास इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं इस टेस्ट सीरीज़ को थोड़ा सा इसके अंदर छोटी मोटी कोई कोई गलती वलती हो तो मैं उसको रिव्यू करने जा रहा हूँ एक बार के लिए ठीक है ना तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए ठीक है तो आप आराम से बेफिक्र रहें आपको अच्छे सवाल है वो देखने को मिलेंगे यहाँ पर तो आप आराम से देना नब्बे मिनट का आपके पास है वो टाइम रहेगा ठीक है तीस सवाल आपके पास रहेंगे तो हर एक कोई बच्चा वो दे सकता है ठीक है रही बात आपको एक और बता देता हूँ मैं कि आपका जो अगर कोई बच्चा अन एकेडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है और अगले साल को भी टारगेट कर रहा है इस साल को टारगेट कर रहा है तो हम आपको बता देते हैं कि छः तारीख से ठीक ना, ओप है ना सिक्स ऑफ है अक्टूबर से आपका प्रोसेस कैलकुलेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है ना प्रोसेस कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ अगर कोई बच्चा मैथेमेटिक्स पढ़ रहा है पढ़ने चाहता है तो छः अक्टूबर से मैथेमेटिक्स भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है ना तो अगर आप ऑलरेडी uh, हमारा मास ट्रांसफर चला हुआ है ठीक है ना मास ट्रांसफर आपका ऑलरेडी चला हुआ है फ्लूड है वो हमारे पास यूट्यूब पे चला हुआ है मैं तो बड़ी ज़िद पे अड़ा हूँ ठीक है ना कि मैं फ्लूड मैकेनिक हो कंटिन्यू करूँगा यूट्यूब पे बट आप यहाँ पे अटेंडेंस देते ही नहीं हो क्लास के अंदर मौजूद रहते ही नहीं हो तो क्या करें आप ठीक है ना मजबूरी में आके मेरे को ऐसा लग रहा है कि बंद ना करना पड़े मेरे को मैं चाहता तो नहीं हूँ बट आप मौजूद ही नहीं रहेंगे तो क्या दीवार के सामने खड़ा होकर गया क्या ठीक है तो मास ट्रांसफर है ये आप कंटिन्यू करेंगे हम प्रोसेस कैलकुलेशन छः तारीख से और मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है तो अगर कोई बच्चा अनकेडमी के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है अच्छे से अपनी तैयारी है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में और एक कंप्लीट करना चाहता है तो अनकेडमी के साथ कर सकता है यहाँ पर प्लान आप देख सकते हैं कोड इस्तेमाल कीजिए डी पी जीरो सेवन या फिर देवेंद्र पूनिया लाइव तो टेन परसेंट अमाउंट आपकी वो पूछाएगी और अल्टीमेट अमाउंट आप यहाँ पे पे कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एक पर्सनलाइज प्रिपरेशन करें ठीक है ना तो पर्सनालाइज प्रिपरेशन क्या है जहाँ पर आपको एक पर्सनल कोर्स दिया जाता है आपको एक पर्सनल डाउट इंस्ट्रक्टर दिया जाता है साथ ही साथ अन अकेडमी का प्रिपेयर स्टडी मटीरियल हो साथ ही साथ डाउट बूस्ट स्टडी बूस्टर सेशन हो ठीक है ना ये सारे, -सारे के सारे बेनिफिट आपको पर्सनलाइज प्रिपरेशन अन अकेडमी के आइकोनिक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी तो आइकोनिक के प्लान यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से जो कन्वीनियंट लगे 12, 18 और 24 महीने का वो आप चूज कर लीजिए कोड इस्तेमाल कीजिए डी पी जीरो सेवन या फिर कोड इस्तेमाल कीजिए देवेंद्र पूनिया लाइव ठीक है ना डी ई वी ई एन डी आर ए पी डब्लू एन आई ए एल आई वी ई ठीक है ना तो ये कोड इस्तेमाल कीजिए और अल्टीमेट आपके पास टेन परसेंट अमाउंट है वो ऑफ हो जाएगी और आप यहाँ पर पे कर सकते हैं जो भी आपके पास अल्टीमेट अमाउंट बनती है ठीक है तो ये सारी बातें थी अब आपको अब आप, अगले आपको एक और बात बता देता हूँ मैं बात ये है कि आ, बात ये है कि हम अगले सेशन में पढ़ेंगे एक आपका छोटा सा टॉपिक है वो रह गया है ठीक है ना जिसका नाम है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन तो डिफरेंशियल फॉर्म है वहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद में अगर आप क्लास के अंदर मेरे को पच्चीस से कम आगे से देखने को मिलते हैं जो भी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं उन बच्चों को मैं बता देता हूँ अगर मेरे को लाइव क्लास में पच्चीस से कम दिखते हैं तो उस सेशन के बाद में मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि वो हमारा लास्ट सेशन होगा फ्लूड कानेमेटिक्स से रिलेटेड वो लास्ट सेशन होगा तो फिर आपका फ्लूड कानेमेटिक्स तक की फ्लूड मेकेनिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे आप चाहते ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है तो आप जो चाहते हैं वो पढ़ा देंगे ठीक है ना हाँ, हम जो चाहते हैं वो हम पढ़ा देंगे आपको आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करवाएं तो हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपके टाइम का इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर आप चाहते हैं वैसे यूज़ कर लेंगे ठीक है तो चलिए हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाजत आप, आप यूँ ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपनी क्लासेज हैं वो यूँ ही शिदत से देखते रहें हम आपको मिलेंगे कोई बेहतरीन सेशन में तब तक के लिए बाय टेक केयर हैव एन ऑसम डे बाय